नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर भाजपा के लोकसभा के लिए घोषित किए गए प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के स्वागत के दौरान उनके समर्थकों में विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि रुस्तम सिंह नामक एक युवक ने धर्मेंद्र गुर्जर पर गोली चला दी। कंधे में गोली लगने से धर्मेंद्र घायल हुआ है, उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से रुस्तम सिंह को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। रुस्तम और धर्मेंद्र के बीच कोई पुराना विवाद बताया जा रहा है। गौरतलब है कि शनिवार को ग्वालियर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी घोषित किए गए भारत सिंह कुशवाहा पार्टी मुख्यालय मुखर्जी भवन महाराजबाड़े पहुंचे थे, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी आए थे। इनमें धर्मेंद्र और रुस्तम गुर्जर भी शामिल थे। दोनों के बीच कोई पुराना कुछ मुंहवाद हुआ, जिसके बाद रुस्तम सिंह ने धर्मेंद्र को निशाना बनाते हुए उन पर गोली चला दी, जिससे उनके कंधे में गोली लगी। धर्मेंद्र की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। यह घटना उस समय हुई जब भारत सिंह कुशवाहा कुछ क्षण पहले ही मुखर्जी भवन से निकले थे और उनके कुछ समर्थक मुखर्जी भवन के नीचे गांधी मार्केट की तरफ खड़े हुए थे। इसी दौरान इन लोगों में विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी एक खबर आई है, करीब 1:15 बजे की बात है, कि भाजपा कार्यालय के पास गांधी मार्केट की तरफ फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। उसमें एक धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति है, उनको गोली लगी है और रुस्तम नाम के व्यक्ति को अभी पकड़ा गया है, जिसके पास से पिस्टल बरामद हुई है। अभी आगे का क्या इनका पुराना विवाद है और किस कारण ये सब हुआ है, ये थोड़ी जानकारी अभी एक बार लेके हम आपको आगे जो भी डिटेल है सब बताएं। कौन लोग हैं ये बताया जरा, कार्यकर्ता है और स्वागत के दौरान ये घटना। हाँ, शायद इनका जो टिकट को लेके अभी जो कुछ जुलूस चल रहा था, उसमें ये दोनों पक्ष आए थे और इनका शायद पुराना कुछ विवाद है, लेकिन अभी जब तक हम दोनों पक्षों से एक बार बात नहीं कर लेंगे पूरी स्थिति क्लियर नहीं होगी। अभी एक को हमने रुस्तम को पकड़ा है, उसके पास से हथियार भी बरामद हुआ है, लेकिन पूरी विवेचना करने के बाद ही हम आपको। लाइसेंस ही है? हाँ, नहीं लाइसेंस ही नहीं है। घायल की कैसी स्थिति है अभी? अभी सूचना मिली कि उन्हें कंधे के पास गोली लगी है और फिलहाल तो कंडीशन ठीक है, लेकिन एक बार हम वहाँ हॉस्पिटल में जाके उनको वेरीफाई करेंगे किस तरह की सिचुएशन। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।